तो गैस मैंने फ़्लिपकार्ट से ये वाला माइक्रोफोन जो है वो ऑर्डर किया था। तो इसका जो नाम है 8K वायरलेस माइक्रोफोन। तो मैं काफ़ी सालों से यूट्यूब पे वीडियो बना रहा हूँ, हालांकि पॉपुलर नहीं हूँ या तो मेरी चैनल ग्रो नहीं करता, बट वीडियो मैं काफ़ी सालों से बना रहा हूँ। तो हुआ क्या है कि मेरे पास ये वाला कंडेंसर माइक्रोफोन है, जो कि आप देख सकते हो एक USB माइक्रोफोन है, जो अपन को OTG के थ्रू अपने फ़ोन के साथ कनेक्ट करना पड़ता है, फिर जाके वॉइस रिकॉर्ड हो पाता है। बट ये जो है ना डिफरेंट है। उसके बाद मैं बोया M1 की ये वाला माइक्रोफोन लिया था, जो आप एक वायर माइक्रोफोन आप देख सकते हो, 3.5 mm की जैक आता है इसके साथ, और एक माइक्रोफोन आता है जो अपनी कॉलर पर कनेक्ट करके फ़ोन के साथ काफ़ी अच्छी वॉइस क्वालिटी ये भी दे देता है। बट इसकी जो वायर की झंझट है ना, ये बहुत ही ख़राब था। सो दैट्स व्हाई मैं ये वाला माइक्रोफोन बाय किया हूँ। तो अब देखते हैं, इसका जो अनबॉक्सिंग है ना वो काफ़ी अच्छा है। तो सिंपली आपको इसको पकड़ के ऊपर की तरफ करना है और आपके सामने कुछ इस तरह का जो है आएगा। तो मैं इसको साइड पर रखता हूँ और यहाँ पर आपको दो चीज़ मिलता है। एक तो माइक्रोफोन मिलता है, एक ऐसा आप देख सकते हो, ये एक माइक्रोफोन होता है, और इसके साथ आपको एक USB-C जो है पोर्ट मिलता है चार्जिंग के लिए, और एक रिसीवर मिलता है जो आप यहाँ पे देख सकते हो, और ये भी टाइप सी की है। तो सिंपली टाइप सी वाला मोबाइल पे जो है ये कनेक्ट होता है, और इसके साथ जो है लाइटिंग पोर्ट वाला भी आता था, बट अब उनके पास तो लाइटिंग पोर्ट है ही नहीं भाई, आईफोन ही नहीं। साला ये दुख का खत्म नहीं होता बे। खैर, तो इसके बॉक्स के साथ नीचे और एक छोटा सा डब्बा आता है, और इस डब्बे में आई होप क्या होगा सोचो। यस गाइस, ये एक चार्जर केबल हो सकता है शायद, मेरे को तो लग रहा है। ओके डन, ये एक USB 2 Type-C चार्जिंग है। तो ये इसका बॉक्स का बॉक्स कंटेंट है जो आपको इतना सामान मिलता है, और इसकी जो प्राइस है ना वो फ्लिपकार्ट से मैंने इसको बाय किया और मेरे को अराउंड 600-500 रुपीज़ पड़ा, मतलब 650 रुपया में मुझे ये मिल चुका है। तो मेरे को लगा भाई चलो इसको ट्राई करके देखते हैं। तो अभी से जो भी वॉइस आप सुन पा रहे हो ना वो था इससे, और अभी मैं इसको कनेक्ट करके मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसकी वॉइस क्वालिटी कैसा है। वेल गाइस, इसको ना सिंपली आपके फ़ोन की जो टाइप सी वाला पोर्ट है ना वहाँ पे कनेक्ट करना होता है, और यहाँ पे आपको एक पावर बटन देखने को मिल जाएंगे। तो आप सिंपली यहाँ पे प्रेस करोगी तो यहाँ पे आपको एक लाइट ब्लिंक करते हुए दिखेगा, और इसको मैं इसको यहाँ पे कनेक्ट कर देता हूँ। हो चुका। तो गाइस फाइनली मैं माइक्रोफोन को अपनी कॉलर पे जो है फिट कर चुका हूँ, और मेरी फोन से अभी ऑलमोस्ट 3 फीट की दूरी पे हूँ। तो आप इसकी जो ऑडियो क्वालिटी है वो कैसा है वो आप सुन पा रहे हो। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़ा डिस्टेंस बढ़ाऊंगा, मैं फैन पे नहीं रहूंगा, बट मैं आपको बताते रहूंगा मैं कितने जा रहा हूँ, और आप इस माइक्रोफोन के साथ कितनी डिस्टेंस के साथ जो है आपको अच्छी वॉइस क्वालिटी मिल सकती है। तो वो टेस्ट करने के लिए मैं अभी बाहर जा रहा हूँ अपने रूम से, और फैन पे मैं नहीं रहूँगा, तो वॉइस सुनना सिर्फ। तो ऑलमोस्ट मैं यहाँ पे अभी फिलहाल 10 फुट की दूरी पे हूँ, मतलब अपने फोन से अपनी जो माइक्रोफोन है ना वो 10 फुट की दूरी पे है। यहाँ पे मैं चलता हूँ तो 15 फुट की दूरी पे आ चुका हूँ मैं, और यहां से अगर मैं यहां पे आता हूँ तो ऑलमोस्ट 20 फीट की दूरी पे मैं हूँ। तो इससे ज्यादा ही दूरी पे कौन रहेगा भाई, अपनी फोन की फोकस भी नहीं आएंगे। आउटपुट है ना वो काफी खतरनाक मेरे को देखने को मिलता है, 20 फीट की दूरी पे भी ये अच्छी खासी वॉइस को कैप्चर कर लेता है। और उसके बाद और एक चीज मैं नोटिस किया, यहाँ पे जो नॉइज कैंसिलेशन है ना वो भी काफी कमाल की है, क्योंकि मैं जहां पे गया था ना वहां पे भाई बहुत सारे बंदे थे, बच्चे बच्ची थी जो है वो खेल रहा था, और इतना ज्यादा शोर था मैं वहां से तुरंत ही फॉरन आ गया, क्योंकि काफी ज्यादा नॉइज आएगा ये सुन के। एंड जब भी मैंने वो वाली ऑडियो को सुनाना मेरे को काफी सरप्राइजिंग लगा, ये वाला जो कंडेंसर माइक्रोफोन है ना ये सिर्फ अपनी फोन की साइड से जो ऑडियो को कैप्चर करता है, पीछे की साइड से जो ऑडियो को कैप्चर नहीं करता है, फिर भी इतना क्लियर जो है आपको नॉइज कैंसिलेशन नहीं मिलेंगे। और ये जो 650 वाली माइक्रोफोन पे जो आपको नॉइज कैंसिलेशन मिलता है ना वो आपको यहाँ पे 5,000 वाली माइक्रोफोन पे भी नहीं मिलेंगे। तो डेफिनेटली मैं कहूंगा अगर आपकी रिक्वायरमेंट है ऐसे माइक्रोफोन वगैरह की तो आप इसको जरूर ट्राई कर सकते हो, और ऑडियो एडिटिंग पे जाके थोड़ा बूस्ट देके इस ऑडियो को आप और भी बेस्ट बना सकते हो। तो गाइस यही था वीडियो, आई होप आप लोगों को बढ़िया लगा। बढ़िया लगा तो प्लीज यार लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर सकते हो, और इसके बारे में कोई भी क्वेश्चन हो तो नीचे कमेंट कर देना, मैं जरूर रिप्लाई कर दूंगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो बाय।